हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सबका स्वागत है जीडी फाइव के नई वीडियो में। मेरा नाम है फैकिन और गाइस यार अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, क्योंकि अभी मैं बस तो यार घूमने गया था। तो अभी चलते हैं फटाफट से शिनचैन के पास, देखते हैं वो अभी शिनचैन क्या कर रहा है। मेरा घर यहाँ पे आ चुका है, तो चलते हैं शिनचैन से मिलते हैं, देखे उसकी क्या हाल है। शिनचैन, ओ शिनचैन, अबे शिनचैन कहाँ पे? एनी फेकी भैया क्या हो गया? अरे भाई शिनचैन यहाँ पे क्या कर रहा है तू? चलना थोड़ा घूमने वूमने चलते हैं। एनी फेकी भैया फटाफट से न्यूज देख। अरे भाई क्या हो गया? एनी फेकी भैया देखो सारी बहुत ही खतरनाक न्यूज आ रही है। अरे भाई ऐसा क्या है? एनी फेकी भैया आप खुद ही देख लो ना। अरे भाई चला तो सही टीवी, मैं भी देखूं यार क्या आ रहा है ऐसा न्यूज में। लॉस सैंटोस का आज तक का सबसे अमीरों वाला चैलेंज। अगर आपको अपने लक पे भरोसा है तो आइए इस चैलेंज में। जो एड्रेस है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपको बनना है अमीर तो आइए इस चैलेंज में। अरे भाई शिनचैन यार ऐसा कैसा चैलेंज हो रहा है? एनी फेकी भैया मुझे क्या पता है। अरे चल यार देखो, पता तो नहीं चला, अपन वहाँ पर चल के पता करते, क्या पता अपन जीत जाए। वो बोल रहे थे कि भाई लक पे डिपेंड करेगा, क्या पता आज लक हमारा अच्छा हो। तो चलते हैं अपन ऐसे फटाफट से उस चैलेंज में, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उस चैलेंज में। उन्होंने बोला है कि बहुत ही बढ़िया वाला चैलेंज है, देखते हैं वहाँ पे चल के क्या होता है। तो गाइस अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट से लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। हम यार 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और हमें 2 लाख पहुंचा दो और हम चलते सीधा उस चैलेंज की तरफ। तो अभी हम उस चैलेंज की तरफ तो आ चुके, उस एड्रेस पे आ चुके हैं। और भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग खड़े। अरे भाई लगता है यहाँ पे तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। चलो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अरे आइए आइए, अगर आपको चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, बनना है अमीर, तो जल्दी से लाइन में लग जाइए। हाँ मेरे को भी अमीर बनना है, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ। पर यार यहाँ पे तो बहुत सारे जने। अरे भाई साहब मैं इधर खड़ा हो जाऊँ क्या? अरे निकल यहाँ से। अरे जा रहा हूँ, चिल्ला के रहो भाई, आराम से जा रहा हूँ यार। मेरे को बिल्कुल पीछे खड़ा होना, सबसे पीछे मैं खड़ा हूँ। अबे शिनचैन तू भी आजा लाइन में खड़े हो जा। एनी फेकी भैया मुझे नन्हे को दीदी से मिलने जाने। अरे वो नन्हे को दीदी से बाद में मिल लिया, चुपचाप खड़ा रहे इधर ही। अरे अरे भैया पहले मैं जाऊंगा, सारा का सारा बॉक्स खोल दूंगा, एक बार में चाय भी निकाल के दिखाऊंगा। ये ले ये ले ये ले, एक और ले। अरे कुलचा, अरे ये क्या हो गया? इससे तो मेरी टी शर्ट का कलर चेंज कर दिया। अरे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाय भी चाहिए। अरे चाय भी दे दे रे। मैं जाएगी रे, ये वाले बॉक्स तोड़ोगी मजा आएगा, मस्त बॉक्स तोड़ूंगी। ये बॉक्स देखो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अरे तू होते डिस्क्वालीफाई, निकल जाए यहाँ से। अरे सॉरी सर, सॉरी। अरे निकल यहाँ से वरना मारूंगा डंडा। तो गाइस यार यहाँ पे बहुत सारे जन है डिस्क्वालीफाई होते जाए, क्योंकि उनके डब्बे में से कुछ निकल रहा, मतलब चाबी नहीं निकल रही। भाई मेरे में से निकल रही चीज चाबी यार, मजा आ जाएगा। A few minutes later. I am to be डब्बा तोड़ूंगा, चाबी लेके जाऊंगा, मजे आएंगे। एक काम करता हूँ, ये वाला डब्बा तोड़ देता हूँ, ये डब्बा ये ले। अरे ये क्या, इसमें से फटाके निकले। अरे यार मैं भी हार गया। अरे भाई इसके भी निकला शिनचैन, अब अपन दोनों बचे सिर्फ। तो यार अब सिर्फ प्लेयर है दो और डब्बे अभी भी यार 20 डब्बे बचे। तो यार हमको बिल्कुल सही डब्बा खोलना होगा जिसमें से सीधा चाबी निकले। अरे भाई साहब यार बता दो ना उसमें चाबी है। अरे निकल यहां से। अरे जा रहा हूं पता चले मेरे डिस्क्वालीफाई करते। ये ले सारे डब्बे खोल दूंगा मैं, ये ले। अरे देखो मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं, इतने सारे डब्बे खोल दिए तूने। अरे यार इसने मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। शिनचैन अब तू ही संभाल लियो। अरे ठीक है फेकी भैया, टेंशन मत लो, मैं खोल के दिखाऊंगा चाबी। और देखते हैं भाई शिनचैन क्या करके दिखाता है। शिनचैन उसको मत फोड़, शिनचैन प्लीज प्लीज निकल जा निकल जा। अरे फेकी भैया मुझे चाबी मिल गई। क्या सही में चाबी मिल गई? अरे है फेकी भैया सही में चाबी मिल गई। अरे देखो यहां पे चाबी पड़ी है। अरे भाई शिनचैन बहुत ही बढ़िया भाई, सीधा चाबी निकाल दी तूने। अरे भाई मजा आ गया यार शिनचैन। अरे फेकी भैया मैं जाऊं नन्हे को दीदी के पास। अरे भाई अपन इतने अमीर हो गए। अरे भाई साहब बताओ सर उसमें है क्या? अरे आप खुद ही जाके देख लीजिए, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अरे फेकी भैया मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे तो रुक। अरे नहीं फेकी भैया अकेले है ना यार, मैं जा रहा हूँ। अरे वो ये किसी गाड़ी लेके जा रहा है। अबे शिनचैन रुक जा यार। अरे अंकल थैंक यू देने के लिए। अरे बेटा क्या कर दिया? अरे फेकी भाई मैं जा रहा हूँ, सारी सारी चीजें मैं ले लूंगा। अरे भाई रुक जा शिनचैन। अरे यार ये कहाँ जा रहा है? अरे फेकी भाई भाई। अबे ये अकेला क्यों चला गया भाई? ये शिनचैन बिल्कुल पागल है क्या यार? अबे इसके पीछे जाना पड़ेगा भाई, अपनी गाड़ी फुल स्पीड भगा के लेके चला गया, मुझे भी इसके पीछे जाना पड़ेगा। शिनचैन ओ शिनचैन रुक जा भाई, कहाँ चला गया? अबे कहाँ निकल गया ये शिनचैन, रुक जा। अबे शिनचैन यहाँ से गायब कैसे हो गया? अरे भाई ये झाड़ियों में गया और गायब हो गया, इधर तो पत्थर। अबे ये क्या है? अबे ये कहाँ आ गया मैं? अरे फेकी भाई मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई? अरे वो तू मेरे को छोड़ के को चला गया था, और यहाँ पे कैसा है तू? अरे फेकी भाई यहाँ पे गेट बना हुआ था, मैंने उसकी चाबी खोली और मैं अंदर आ गया। अरे भाई साहब शिनचैन इधर क्या है? अरे फेकी भाई जाके देख लो, मैंने तो देख लिया। चलो चल के देखते हैं। अबे ये क्या है, इतना सारा गोल्ड पड़ा यहाँ पे तो। अरे फेकी भाई पीछे देखो और भी है। अबे पीछे छोड़ ऊपर भी है, और यहाँ पे तो बहुत सारी बंदूकें भी पड़ी है, और इतना सारा गोल्ड। अबे भाई ये किसका गोल्ड है? अबे उसने चोरी वोरी करके तो नहीं दे दिया? पर नहीं, उसने चाबी लॉक भी लगा रखा था। अरे भाई
साहब इतना ज्यादा गोल्ड है यहाँ पे तो, अभी यहाँ पे तो गोल्ड की नदियाँ बह जाएगी। अबे शिनचैन ये अपना है सारा? अरे नहीं फेंकी भी तो सारा मेरा है। अरे ओ ए मजाक मत कर शिनचैन, ऐसी बातों में मजाक नहीं करते। अबे शिनचैन मजे हुए अपने तो। अरे फेंकी भाई मैंने तो एक घर बनाने के लिए ऑर्डर भी दे दिए। अबे कौन सा घर बनाने का ऑर्डर दे दिया? अरे फेंकी भाई आने वाले दिन उससे पहले मैंने ऑर्डर दे दिया। अबे भाई कौन सा घर कहाँ पे वो? अरे फेंकी भाई आपको सरप्राइज मिलेगा, मजा आएगा। अरे भाई शिनचैन वैसे तूने इतना सारा गोल्ड जीत के इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया, जल्दी चल यार वहाँ पे मुझे बस देखना है। अरे ठीक है फेंकी भाई चलो चलते। अभी क्या वो घर रेडी है क्या? अरे है फेंकी भाई, मैंने बहुत सारे गोल्ड दे दिया इसलिए उन्होंने जल्दी से घर रेडी कर दिया। और चल चल चलते यार। तो गाइस यार अभी हम लोग जाने वाले अपने नए नए घर पे जो कि यार शिनचैन ने ऑर्डर दिया, पता नहीं कैसा घर बना हुआ वो भी तो अभी चल के पता चल ही जाएगा। तो अभी यार फटाफट चलते उस घर पे यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। एक तो यार शिनचैन ने गोल्ड जीते और ऊपर से यार बोल रहा है बहुत ही बढ़िया वाला घर बनवाया, तो चलो फटाफट चल के देखते हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाके लाइक करो और अपन चलते सीधे अपने नए नए घर पे, देखते यार कैसा घर है हमारा। तो गाइस यार क्या आप रेडियो हमारा घर देखने लगे और आप सोच रहे हो कि मैं नदी के ऊपर क्यों उड़ रहा हूँ? क्योंकि हमारा घर है पूरा नदी के ऊपर, मतलब जो लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी नदी है ना उसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है, मतलब इसका नाम है वाटर हाउस। और यहाँ पे हमने अपना हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया, वो भी पूरा गोल्डन हेलीकॉप्टर यहाँ पे हमने लैंड करा दिया। फटाफट से यहाँ से उतरते हैं और इनमें इतनी खुशी खुशी में कपड़े चेंज करना भूल ही गया, हम सीधा इधर आ गए। शिनचैन बाहर आ जाओ, जल्दी बताओ कैसा लगा घर? अरे भाई शिनचैन जहाँ तक अभी तक देखा है वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी एंट्रेंस से पहले तो हेलीकॉप्टर का मतलब ये बना हुआ है बहुत ही बढ़िया स्टैंड। और अभी अपन चल के अंदर देखते हैं यार अंदर क्या क्या है। और यहाँ पे यार बॉडीगार्ड्स खड़े लगता है मुझे, और ये पूरा का पूरा जो नीचे फ्लोर है ना पूरा का पूरा कांच का बना हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और भाई साहब क्या हाल है आपके? तो चलते हैं अंदर देखते यार अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे एक बोट भी खड़ी है यार पीछे, और यहाँ पे हमारे घर के अंदर घुसते ही मस्त यार सोफा लगा हुआ है यार। सोचो सर पानी के ऊपर एक घर, उड़ते हुए पानी के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर तैरते तैरते घर के अंदर इतने सारे सोफे, मतलब चार जगह सोफे लगे हुए। और यहाँ पे पूरा किचन है, और यहाँ पे एक पूल टेबल है, और एक सेकंड अबे यहाँ पे कार भी है। अबे इसके अंदर कार कैसे आ गई? अरे भाई शिनचैन ने तो मस्त ही सारे सारे गोल्ड खर्च किए भाई। और यहाँ पे भाई जिम भी बना हुआ एक छोटा सा जो कि ना शिनचैन करता है ना मैं करता हूँ। और यहाँ पे किचन तो अपना बना हुआ है ही। और चल के देखते हैं यहाँ पे इस साइड क्या है, यहाँ पे बाहर का एंट्रेंस है। अरे भाई साहब लगता है यहाँ पे अपनी बोट यार पार्किंग पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़े बॉडी गार्ड्स खड़े ताकि यार यहाँ पे कोई आ नहीं जाए। तो अभी यार यहाँ पे चलते, यहाँ पे एक रूम बचा। और याद रखना मैं आपको लास्ट में बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दिखाने वाला हूँ, एक घर का बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, बस मुझे वही पता था इस घर का। तो यहाँ पे अपना बेडरूम बना हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, मस्त सी टीवी लगी हुई है, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें बनी हुई है। यहाँ पे कंप्यूटर वाला सेटअप भी बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे यार मस्त सी चेयर भी लगी हुई है। तो अभी यहाँ पे चल के अंदर देखते, और ये लिफ्ट वाला, अच्छा मेरे को लगा लिफ्ट है, अरे ये तो बाथरूम है, मुझे लगा लिफ्ट है। और यहाँ पे मस्त यार कांच वाला व्यू आ रहा है, यहाँ आराम से बैठ के यहाँ पे नहा सकते हैं। तो अभी चलते बाहर और आपको दिखाता हूँ सबसे तगड़ी वाली चीज जो कि मैं बोल रहा सरप्राइज। तो अभी चलते हैं अपन पानी के अंदर, जो सरप्राइज वो आपको मिलने वाला है पानी के अंदर। तो फटाफट चलते पानी के अंदर। तो क्या आपको सामने देखने लग गया? जी हाँ, ये है सारा का सारा गोल्ड जो कि हमने वहां पे जीता था, हमने यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे छुपा दिया, कोई भी यार पानी के अंदर आके देखने नहीं वाला है, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और बाकी ये सारा गोल्ड तो हमने और कहीं पे छुपाया, अगर आपको वो देखना है तो फटाफट से कमेंट मारो तो वो भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो उसका आधा गोल्ड रखा है, बाकी आधा गोल्ड तो कोई और ही छुपा के रखा है। तो यही था हमारा यार वाटर हाउस। एक सेकंड, अभी पुलिस वाले क्या, अभी ये तो गोलियां मारने लगे, शिनचैन भाग। अरे फेंकी भाई मैं क्या करूं? अरे भाई ये गोलियां क्यों मारने लगे? एक सेकंड अभी इनको बता दो भाई साले तेरे को क्या निकल ऐसे। अबे भाई तो हमारे घर पे अटैक कर रहे, और भाई इन्होंने गोल्ड देख लिया क्या? चलो एक हेलीकॉप्टर, अभी दूसरा भी आ गया, अभी एक एक, एक को मारा दूसरा आ गया, अभी दूसरे को भी मार दिया। अभी भाई लगता है पुलिस वालों को पता चल चुका है यहाँ पे मेरे गोल्ड छुपा है। अरे भाई अब क्या करेंगे? मुझे लगता है वो गोल्ड वहां से हटाना पड़ेगा। और सामने से भाई पुलिस की बोट भी आ रही है, अपने इस पर लॉन्चर मारते बिल्कुल उस पर टारगेट लॉक करेंगे, ये ले कैच कर। और ये मैंने उसको मार दिया और वो फूट चुकी बोट। तो गाइस यार अभी शिनचैन और भाई यहाँ से भाग रहे ताकि पुलिस वालों को लगे कि हमारे पीछे पीछे पुलिस वाले आने लगते हैं, क्योंकि उनको लगे कि हम सारा सारा गोल्ड यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ से निकलते। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चाहे फिर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन, फटाफट ज्वाइन फॉलो कर लो, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे मैं बोर्ड से क्यों गिर गया।